ये क्या हो गया मुझसे? इतनी महंगी गाड़ी और ये स्क्रैच, आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? एक्सक्यूज़ मी मैम। यस। वो मैम आपने मुझे बुलाया था ना कॉल करके अपने ऑफिस में, मैं वही हूँ जिसने आपकी गाड़ी। हाँ अच्छा, तो तुम ही हो वो जिसने मेरी गाड़ी ठोकी है। ठीक है आओ बैठो। जी तुम ही हो ना वो जिसने मेरी गाड़ी ठोकी है? नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जानबूझ के आपकी गाड़ी को हिट नहीं किया था, वो मैं बस इंटरव्यू देने जा रहा था और तभी सडनली मुझे एकदम से चक्कर आ गए और मेरी बाइक आपकी कार से हिट हो गई और उस पर स्क्रैचेज आ गए, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये। एक तो तुमने मेरी गाड़ी ठोकी, ऊपर से तुम ये नोट छोड़ कर गए, क्या मतलब है इस चीज़ का बोलो? मैम मैंने वहाँ पे रह के थोड़ी देर वेट किया था लेकिन आसपास मुझे कोई नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक पेपर पे नोट लिख के वहाँ पे रख देता हूँ। मैम जब मेरी बाइक से आपकी कार को टच हुआ उसके बाद मैं वहीं रुका रहा ये देखने के लिए कि क्या पता इस गाड़ी का ऑनर आ जाए, लेकिन मैं क्या करता, ज़्यादातर वेट भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए बहुत लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये नोट लिखकर वहां पे रख देता हूं ताकि इससे ये पता चल जाए कि गाड़ी बेर से ठुकी है। आपकी गाड़ी मेरी बाइक से लगी, अभी मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, आपकी गाड़ी का जितना भी नुकसान हुआ है वो सब मैं पे करने के लिए तैयार हूं, एक बार मेरी जॉब लग जाए उसके बाद आपका जितना भी नुकसान हुआ है मैं आपको दूंगा, फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ सॉरी बोल सकता हूं। आई एम रियली सॉरी कि मेरी बाइक से आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ। तुम्हारे पास नौकरी नहीं है इसका मतलब कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में तुमने मेरी इतनी महंगी गाड़ी ठोक दी, ऊपर से नोट लिख कर गए, जब पैसे ही नहीं है तो फिर नोट लिखने का क्या फायदा? अगर तुम चाहते तो चुपचाप वहां से जा सकते थे, तुम्हें किसी ने देखा थोड़ी था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है जो तुम्हें देख कर कोई पहचान लेता कि तुमने ही गाड़ी ठोकी है। मैम किसने कहा कि किसी ने मुझे देखा नहीं, वो ऊपर वाला है ना उसने तो मुझे देखा है, और माना कि मेरी जेब में पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं लोगों की चीज़ों का नुकसान करता फिरूं, और मैम मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं अपनी गलती छुपाता फिरूं। सोच तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। अच्छा एक बात बताओ, जिसके चक्कर में तुमने ये सब किया और ये सब हुआ इंटरव्यू के चक्कर में ना, वो जॉब मिली या नहीं तुम्हें? नहीं मैम जॉब तो नहीं मिली। रीजन? वो मैम क्या हुआ कि 5 मिनट लेट हो गया था। तो टाइम से जाना चाहिए था ना? मैम मैं घर से टाइम से ही निकला था लेकिन क्या करता, रास्ते में आपकी गाड़ी से मेरी बाइक ठुक गई और मैंने वहाँ पे 15-20 मिनट वेट किया तो सारा टाइम वहीं निकल गया, और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू देने ऑफिस पहुँचा तो वहाँ मुझे जॉब मिली नहीं। रिज्यूमे है तुम्हारे पास? हाँ मैम है मेरे पास। क्वालिफिकेशन तो काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। वो क्या है ना मैम, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से एक ही चीज़ सिखाई है कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई गलत काम मत करना जिसको करने के बाद अगर आप अपनी शक्ल शीशे में देखो तो अपनी ही नज़रों से नज़रें ना मिला पाओ। ईमानदार और मेहनती इंसान को लक की ज़रूरत नहीं होती, और अगर तुम चाहो तो कल से मेरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो एज अ सुपरवाइजर, और जैसे जैसे काम सीखते जाओगे सैलरी और पोस्ट दोनों बढ़ती जाएंगी। सिर्फ एक शर्त है, काम ईमानदारी और मेहनत से करना। ये जॉब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और खुददारी ने दिलाई है, तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। बहुत अच्छी सीख दी है तुम्हारे माँ बाप ने, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। वेलकम टू आवर कंपनी। थैंक यू सो मच मैम।